Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, हमारा solutions chapter number 9 का आज last lecture है, lecture number 6, जिसमें हम पढ़ेंगे depression of freezing point और साथ साथ colligative properties की applications भी. तो depression in freezing point, सबसे पहले देखते हैं freezing point क्या होता है. फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड और लिक्विड जो है ये को एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम. यानी जैसे आप आइस को देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस वाटर में और वाटर आइस में चेंज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. यानी इस पर दोनों फेज होते हैं, सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं. इसका मतलब है ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा. जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होते हैं, तो यहां पर दोनों फेज सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम. अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होती क्यों है? एक्चुअली जब भी आप किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं, तो सोल्यूट ऐड करने से होगा क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट की तो आपस में अट्रैक्शन डेवेलप हो जाएगी, लेकिन सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी. दरमियान में जो सोल्यूट है वो पेनिट्रेट कर गया. जब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन वीक होगी, वो एक दूसरे से दूर जाएगा, और जब वो दूर जाएगा तो फिर उसको करीब लाना, उसको फ्रीज करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है. अब 1 मोल सोल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन आता है, कमी आती है, उसको कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टी तो चेंज के लिए है, एफ यहां पर फ्रीजिंग के लिए है, जितनी उसमें फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ रही है उसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे. इसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड की वाटर के लिए. अब है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. सॉरी यहां पर देखिए, ये हमारे पास है सॉल्वेंट. अब यहां पर ये ए सॉल्वेंट, यहां पर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर वो बॉयल कर रहा है. हम क्या करते हैं, इसका वेपर प्रेशर कम करते जाते हैं सॉल्वेंट का. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट है. यहां ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है, यहां पर बॉयल कर रहे हैं. तो जैसे जैसे ए जो है, जैसे जैसे इसका वेपर प्रेशर थोड़ा होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, तो हम पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे. यहां पर जाकर ये जो सॉल्वेंट है ये फ्रीज कर जाएगा. और बी ऐसा पॉइंट है जिस पर सॉल्वेंट सॉलिड, ये वाला सॉलिड फेज है और ये वाला लिक्विड फेज है, यहां पर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. इस पॉइंट को हम T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट कहते हैं. ये वाला सारा फेज यहां तक ये सॉलिड है, ये वाला, और ये वाला लिक्विड है. और ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए यहां पर, ये देखें, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. अब अगर हम सॉल्यूशन को देखें, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट नोट करेंगे, ये यहां जाके आएगा बॉइलिंग पॉइंट इसका डी. अब इसका वेपर प्रेशर उससे पहले कम है, हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्यूशन का. टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, अल्टीमेटली ये भी यहां जाके फ्रीज हो जाएगा. अब ये इसी लाइन को दोबारा जाके टच कर रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट तो दोनों में सेम है, ये प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, तो है तो वही सॉल्वेंट, तो ये यहां पर जाकर फ्रीज कर गया. देखिए पहले से ये लो टेम्परेचर पे फ्रीज किया है, ये T2, इस तरफ को टेम्परेचर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर तो कम था, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम आया है, तो ये T1 और T2 में जितना डिफरेंस है उसको कहते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये वाली चीज है T1 माइनस T2. T1 बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम आसानी के लिए T1 से T2 को माइनस कर देते हैं. ये आ गया हमारे पास डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. बिल्कुल जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हम यहां पर कांस्टेंट लगा देते हैं KF. यहां पर डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, M मोलैलिटी, और KF ये क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने 1.86 वाटर के लिए पड़ी थी, जिसको हमने मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट भी कहा था. अब मोलैलिटी की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड कर ली थी, ये वाली वैल्यू यहां पर भी लगा देते हैं मोलैलिटी की, ये वाली वैल्यू लास्ट लेक्चर में हमने ये ड्राइव भी की थी, यहां पर लगाएंगे. और अल्टीमेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो यहां से हम M2 मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लेंगे,
पहले रीरेंज करें डेल्टा टी एफ निकालें तो के एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर एम टू और के एफ की जगह बदल दें, एम टू इधर आ जाएगा और डेल्टा टी एफ, सॉरी डेल्टा टी एफ की जगह बदल दी, एम टू इधर आ जाएगा डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा। इस फार्मूले से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास निकालने के लिए ये तो कॉन्स्टेंट है, के एफ 1000 भी कॉन्स्टेंट है, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए और चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो है बेकमैन्स मेथड। बेकमैन मेथड में जो ऑपरेटर्स है उसमें एक होती है फ्रीजिंग ट्यूब जिसका साइड आर्म होता है और इसमें हमने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन रखा होता है, इसी के अंदर स्टीरर होता है और इसी में बेकमैन थर्मामीटर, यानी तीन चीजें उसने एक ही पॉइंट में बता दी, एक ट्यूब है जिसका साइड आर्म है, उसमें ही थर्मामीटर है और उसी में ही स्टीरर रखा हुआ है। अब मेजरमेंट के लिए नेक्स्ट पार्ट्स कौन से हैं? एक आउटर लार्ज ट्यूब होती है, एक्चुअली जैकेट होती है, जो इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब जो है, ये आउटर ट्यूब जैकेट है, इसके दरमियान एयर होती है। उस एयर का फायदा क्या होता है? ये इंसुलेशन का काम करती है और आस्ता आस्ता इसको स्लो फ्रीजिंग करने देती है, एट वंस फ्रीज नहीं होने देती, ताकि हम इजिली टेम्परेचर डिटर्मन कर सकें। और लास्ट में फ्रीजिंग पॉइंट नोट करने के लिए उसको फ्रीज करना भी जरूरी है और फ्रीज करने के लिए हमें फ्रीजिंग मिक्सचर चाहिए। कैसे परफॉर्म करेंगे देखिएगा जरा ऑपरेटर्स इसमें। ये है हमारे पास इनर ट्यूब, इनर ट्यूब में साइड आर्म भी है, यहां से हम इसमें सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूट ऐड कर देंगे। ये इसमें थर्मामीटर है, ये हमारे पास बेकमैन थर्मामीटर है और ये वाला स्टीरर है, ये स्टीरर है, ये बेकमैन थर्मामीटर है, ये इनर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है, दरमियान में ये एयर जैकेट है ताकि आस्ता आस्ता ये इसकी फ्रीजिंग हो और फिर ये हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इनर ट्यूब में सॉल्वेंट डाल देते हैं और सॉल्वेंट को फ्रीज करके उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी वन नोट कर लेते हैं। अब फ्रीज करने के बाद हम क्या करते हैं, जैकेट हटा लेते हैं, जैकेट हटाने से ये सॉरी फ्रीजिंग मिक्सचर हटा लेते हैं, रिजल्ट क्या निकलेगा, ये मेल्ट कर जाएगा। जब मेल्ट कर जाएगा तो हम इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ये वाला जब सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉल्यूशन बनने के बाद फिर हम फ्रीजिंग मिक्सचर में इसको रख देंगे और एक दफा फिर इसको फ्रीज करके इसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करेंगे, वो टी टू होगा और वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, डेल्टा टी एफ आ जाएगा, जितना यहां सॉल्वेंट रखा उसका वेट भी पता होना चाहिए, जितना सॉल्यूट ऐड करके आपने सॉल्यूशन बनाया उसका भी पता होना चाहिए। फाइनली हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, के एफ कॉन्स्टेंट है वाटर के लिए 1.86, डेल्टा टी एफ कितनी चेंज आई फ्रीजिंग पॉइंट में, डब्ल्यू टू वेट ऑफ द सॉल्यूट, डब्ल्यू वन वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा। तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, कौन सी, लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब है इनकी एप्लीकेशंस, किसकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। पहली एप्लीकेशन, हम इसे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ये हमने तीनों में मैथमेटिकली ड्राइव करके भी देख लिया। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कर सकते हैं या उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर सकते हैं। जैसा कि इसकी एक एप्लीकेशन देखें, गाड़ियों के रेडिएटर में आप इसको यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूट को एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल गाड़ियों के रेडिएटर में वाटर में मिक्स कर देते हैं, रिजल्ट क्या निकलेगा, जब वाटर में एथिलीन ग्लाइकोल डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। यानी आप अगर आप गाड़ी को किसी ऐसे मौसम में ले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर कम है तो वाटर रेडिएटर में तब भी फ्रीज नहीं करेगा, और इसी तरह अगर गर्मी ज्यादा है तो वाटर जल्दी उसमें से बॉयल करके रेडिएटर में से जल्दी एवेपोरेट भी नहीं होगा हॉट समर में। तो ये दोनों फायदे हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वाटर ज्यादा देर तक रेडिएटर में रहेगा। फाइनली इसकी एप्लीकेशन है, ये जो आइसक्रीम्स वगैरह बनाते हैं तो भी क्या करते हैं, आइस के अंदर NaCl या KNO3 डाल देते हैं, रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ऐसा जो वाटर होगा जिसमें आपने NaCl KNO3 डाला, ऐसी आइस होगी उसका टेम्परेचर चूंकि -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक या इससे भी KNO3 डालने से कम चले जाता है, तो ये आइसक्रीम मशीन्स में हम यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारे पास आइसक्रीम होगी वो जल्दी मेल्ट ना हो। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।